नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में एक जज साहब ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सोचिए वो नजारा कैसा होगा जब एक गवाह की गवाही के लिए जज खुद 3 मंजिल नीचे उतरकर चले आते हैं और वहीं पोर्टिको में अदालत लग जाती है। दरअसल ये मामला बिहार से जुड़ा है और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोर्ट से जो मामला है सामने आया है, जहां पर 11 साल पुराने मामले में सुनवाई होनी थी और इसी सुनवाई के दौरान जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो खबर निकलकर सामने आई है, वो किसी को भी भावुक कर देने के लिए काफी है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट की ये घटना है। हम आपको बताते हैं कि मंगलवार को कोर्ट में क्या कुछ हुआ और किस प्रकार जज साहब को एक गवाह के लिए नीचे उतरकर आना पड़ा। दरअसल बिहार के एक जज ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बीमार और वृद्ध के पास ही जब न्यायालय चलकर आया और वहीं पर पूरी कार्यवाही चली तो सबने जज की तारीफ की। ये वाकया मुजफ्फरपुर की अदालत का है और सुनवाई 11 साल पुराने एक सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले का चल रहा था। दरअसल सड़क दुर्घटना के एक मामले में सुनवाई कर रहे एडीजे 12 डॉक्टर दिनेश कुमार प्रधान ने मंगलवार को एक ऐसी मिसाल पेश कर दी जिसकी चर्चा होने लगी। पेशी के दौरान वकील ने बताया कि उनका बुजुर्ग गवाह काफी बीमार है और वो इस बिल्डिंग के 3rd मंजिल तक आने में असमर्थ है और इतना सुनते ही जज साहब ने क्या किया वो भी आप जानिए। एडीजे खुद नीचे उतर कर चले आए और उस भवन के पोर्टिको में ही अपने लिपिक के साथ पहुंचने के बाद वहीं पर इजलास लगाकर बीमार राम नरेश सिंह की गवाही दर्ज की गई और ये तस्वीर जिसने भी उस दौरान देखा सबका सब भावुक हो गया। जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसे ही जज होने चाहिए, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में, जो कानून के साथ साथ इंसानियत का भी पालन करें, मानवता धर्म का भी पालन करें। दरअसल बीमार गवाह करजा थाना के नरसिंह नंदन सिंह विद्यालय के सचिव हैं। गवाही में उन्होंने बताया कि उसी स्कूल में पिंकी देवी बतौर सहायक शिक्षिका के पद पर थीं। मृतका को 45,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। 16 सितंबर 2011 को एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये मामला 11 साल पुराना था और सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक के पास स्टेट बैंक के करीब 16 सितंबर 2011 की यह घटना है जब यह दुर्घटना हुआ था और इसमें उनकी जान चली गई थी और इसी मामले को लेकर यह सुनवाई होनी थी। 11 साल पुराने इस मामले की सुनवाई उतनी चर्चा में नहीं आई जितनी चर्चा में इस सुनवाई के दौरान जज साहब ने जो किया उसकी हुई। दरअसल जज साहब को जब ये बात पता चली कि ये जो गवाह है वो ऊपर नहीं आ सकता और सबसे खास बात कि वो बीमार भी है और वृद्ध भी है, तो ऐसे में उन्होंने इंसानियत दिखाई और 3 मंजिल उतरकर पोर्टिको में चले आए, वहीं पर इजलास लगा दिया और वहीं पर उनकी गवाही दर्ज की गई। यानी कि जो गवाह देने आए थे राम नरेश सिंह की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी तस्वीरें बिहार में यदा कदा देखने को मिलती हैं। वैसे तो बिहार में तमाम तस्वीरों पर विवाद भी होता है, तमाम तस्वीरों पर वाहवाही भी लूटी जाती है, लेकिन इसी बीच में कुछ वाकई में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ जाती हैं जो मानवता के लिए मिसाल होती हैं, जो इंसानियत के लिए एक सीख देने वाली बात होती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।